हाय एवरीवन, यम्मी फूड सारे में आपका वेलकम है। आज हम बनाने जा रहे हैं भटूरे और चने के साथ खाए जाने वाली इंस्टेंट हरी मिर्च का अचार। काफी दिनों से मेरे व्यूवर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भटूरे और चने के साथ खाए जाने वाली हरी मिर्च का अचार बनाओ, तो आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 200 ग्राम के करीब मिर्च ली है, मिर्च को धो करके सुखा लिया है। अब इसे बीच में से जीरा लगाएंगे मिर्च को। इसकी डंडी नहीं काटनी। ऐसे सारी मिर्च को जीरा लगा लेना है। चने भटूरे के साथ ये मिर्चें बहुत ही टेस्टी लगती है। काफी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी भटूरे वाली मिर्च तैयार करो, चने भटूरे वाली मिर्च तैयार करो। मैंने सारी मिर्च काट के तैयार कर ली है। मिर्च का मसाला चटपटा तैयार करेंगे। अब रखेंगे पैन, फ्लेम को ऑन करेंगे। पहले पैन को अच्छी तरह से गर्म करना है। पैन हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब फ्लेम को लो कर देंगे। 2 छोटे चम्मच सौंफ, अगर आपका चम्मच बड़ा है तो 1 चम्मच डालो 200 ग्राम मिर्च के लिए। मेरा चम्मच छोटा है इसलिए मैंने 2 चम्मच छोटे डाले हैं। दो छोटे चम्मच धनिया, 2 छोटे चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच जवैन, इसे हल्का सा रोस्ट करेंगे। मसालों को हल्का सा रोस्ट करेंगे। मसाले हमारे सिक चुके हैं, अच्छी खुशबू आ गई है मसालों के अंदर। लो फ्लेम पे ही मसालों को सेकना है ताकि मसाले जले ना। मसाले में अच्छी खुशबू आ चुकी है, अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अभी गर्म पैन के अंदर एक छोटा चम्मच डालेंगे राई। राई जल्दी से जल जाती है, फ्लेम को ऑफ करके डालेंगे राई को। गरम पैन के अंदर ही भुन जाएगी ये। मसालों को पहले थोड़ा ठंडा करेंगे। मसाले हल्के से ठंडे हो चुके हैं, अब मिक्सी के अंदर ट्रांसफर करेंगे। अब इसे दरदरे फोम में पीसेंगे। अब मसालों को दरदरे फोम में पीसेंगे। मसालों को मैंने दरदरे फोम में पीस लिया है। आप ये सारा मसाला इकट्ठा तैयार करके भी रख सकते हो, जब भी मिर्च बनानी हो तभी मसाले का यूज करो। फिर से रखेंगे पैन, फ्लेम को ऑन करेंगे। ऑयल डालेंगे पहले, 2-3 चम्मच के करीब ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। ऑयल को धुआंदार गर्म करना है पहले, ऑयल का कच्चापन खत्म करना है। ऑयल अच्छे से धुआंधार गर्म हो चुका है, अब फ्लेम को कुछ क्षण के लिए बंद कर देते हैं। ऑयल को पहले हल्का ठंडा करेंगे। ऑयल हमारा हल्का ठंडा हो चुका है, अब मिर्च को डाल देंगे। पहले मिर्च को थोड़ा हल्का रोस्ट करेंगे, थोड़ा सा मिर्च का कलर चेंज हो जाए। और फ्लेम को ऑन करेंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है, बस मिर्च का कलर चेंज हो जाना चाहिए। मिर्च का हल्का सा कलर चेंज हो जाना चाहिए, अगर फुल फ्लेम पे रखेंगे तो मिर्च जल जाएगी। और फ्लेम को लो मीडियम के बीच में कर देंगे। यह इंस्टेंट मिर्च का अचार है भटूरे चने के साथ। ये मिर्च बहुत ही यम्मी लगती है,
अगर आपके पास सब्जी नहीं है तो आप परांठे के साथ भी खाओगे तो बहुत ही यम्मी लगेगी। मिर्ची हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, मिर्च का कलर भी हल्का सा चेंज हो चुका है। अब फ्लेम को लो कर देंगे। जो मसाला तैयार किया था मिर्च के अंदर डालेंगे। आप मिर्च के हिसाब से मसाले को तैयार कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, आधी चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे मिर्च का कलर अच्छा आएगा। दो फ्लेम पे मसालों को थोड़ा पकाएंगे मिर्च के साथ। अब नींबू का रस डालेंगे इसके अंदर। नींबू का रस डालने से मिर्चों का चटपटा फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो। बस इससे ज़्यादा नहीं हमें पकाना। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमारा चने भटूरे वाली मिर्च वाला अचार बन के रेडी है। हमारा चने भटूरे वाली हरी मिर्च का अचार बन के रेडी है। बनाते ही ये मिर्च का अचार खा सकते हो। ये मिर्च खाने में बहुत ही यम्मी लगती है। इसका चटपटा सा फ्लेवर बहुत ही बढ़िया लगता है। गाइस, भटूरे और चने के साथ खाई जाने वाली हरी मिर्च का अचार बनके रेडी है। आप अपने घर में बनाएं और खाएं और मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कैसी लगी आपको ये रेसिपी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। और मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मैं अगली रेसिपी कौन सी बनाऊं। थैंक्स।